नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी चैनल में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताय पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लगूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। ये सुनते ही कंस ने ये तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वसुदेव देवकी के एक एक करके सात बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के सातवें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। ये भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वासुदेव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वो दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। जो ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों के दमन के लिए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए।